हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन फूड बाइट। तो आज है छठ पर्व का तीसरा दिन। तो इस वीडियो में अब हम सूप लगाएंगे, जिसे बहुत जगह डाला भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमने जो सूप लिया है उसे हम पांच बार सिंदूर टेकते हैं। साथ ही में हम उसमें पान का पत्ता, मखाना, अखरोट, किशमिश, सौंफ, ये पिंक कलर का आलता पेपर, चुहाड़ा, कुछ पाँच से छः माला, कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, सूखे हुए नारियल, मखाना एंड साथ ही में हम ऐड करते हैं कुछ फल जैसे कि ये नारियल। और ये नारियल जो हम लोग प्लेस कर रहे हैं वो सूप के एकदम जो एंड साइड होता है वहाँ पे प्लेस करते हैं, ताकि जब हम इसे सिर पे लेके जाएं तो ये डिसबैलेंस हो के सूप का कोई भी सामान गिरे ना। इसलिए जो भी बड़े फल होंगे जैसे कि ये टाबा नींबू जो होता है, ये भी हम सूप के एंड साइड पे बैलेंस करके रखते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे दो दो अमरूद, साथ ही में स्वीट पोटैटो, लाल मूली, कुछ गाजर, साथ ही में सफेद मूली, कच्ची हल्दी जिसमें ऐसे पत्ते लगे हुए हों, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, अनार, सुथनी, सेब, पानीफल सिंघाड़े एंड कुछ ईक। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ आंवले एंड इन सभी सीजनल फल जो हमने सूप में यूज़ किया है, इन सभी को हम सिंदूर टेकते हैं एंड साथ ही में एक लाल फूल एंड एक गेंदे का फूल हम यूज़ करते हैं एंड ऊपर में हम एक रखते हैं एक एक तुलसी पत्ता, विच इज़ मैंडेटरी। तो अब ये जो सूप है ये ऑलमोस्ट सज चुके हैं। अब यहाँ पे हम बस केले के पांच पांच पीसेस रख देते हैं। हम याद रखिए हम ऐसे दर्जन भर नहीं रखते, लाइक छः नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे एक तोड़ लिया। अब यहाँ पे सिर्फ पांच केले के पीसेस रखने हैं एंड अब इन्हें भी हम सिंदूर टिका के अब इन सभी को हम बांध लेंगे एक ऑरेंज कपड़े में, जो कि धोती, गमछा, कुछ भी हो सकता है, बट वो नया कपड़ा होना चाहिए। आपको इसे पूरी कम्प्लीटली रैप करके कुछ तीन से चार नॉट्स लगाने हैं ताकि ये पूरा पैक हो जाए। तो हमने ये अब रैप अप कर लिया। हम इसे थोड़ा सा साइड करके रख देते हैं एंड हम चलते हैं अपने दूसरे सूप को रैप करने के लिए। तो इसके लिए हमने एक पीला कपड़ा का इस्तेमाल किया है जिसमें हम सूप रखेंगे एंड इसे भी हम तीन से चार नॉट्स लगाएंगे इसे रैप करके, ताकि इसका जो भी सामान है, जो भी फल इसमें हमने यूज़ किए हैं, सिर पे जब हम लोग ले जाएं तो इसका कोई भी सामान इधर उधर ना हो एंड ये गिरे ना। जब सूर्य को अस्त होते वक्त हम लोग अर्घ देते हैं तो उस टाइम हम यहाँ पे इसे ओपन करके दिए भी यहाँ पे लगाते हैं सूप में, बट वो देन एंड देयर का प्रोसीजर होता है क्योंकि सामान ऑब्वियसली जल सकता है। तो इसलिए एंड फोर्थ डे के लिए हम लोग सेम सूप का इस्तेमाल करते हैं अर्घ देते वक्त सूर्योदय के टाइम। हैप्पी छठ।